नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल एस्ट्रो सच पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। महा शुक्रवार को करें एक मुट्ठी चावल एक दीपक का महान उपाय। जीवन के हर दुहक से मिल जाएगी आपको मुक्ति। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा। हमारे धर्म शास्त्र में भद्र महीने को पवित्र महीना भी समझा जाता है। कहा जाता है महीने का जो शुक्रवार होता है वह कोई साधारण शुक्रवार नहीं होता है बल्कि महान शुक्र बार होता है। इसी दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने हर भक्तों पर दोनों हाथों से कृपा बरसाती हैं। महीने के पहले शुक्रवार को अगर आप एक मुट्ठी चावल एक दिए का महा उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो मान के चलिए लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन के धन संबंधित हर परेशानी खत्म हो जाएगी और सिर्फ एक मुट्ठी चावल और एक दीपक के माह उपाय से आपके जीवन में धन चुंबक की तरह चला आएगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में सप्ताह का सभी दिन किसी न किसी देवी देवताओं को समर्पित होता है, जैसे सोमवार का दिन भर भगवान भोलेनाथ को, मंगलवार का दिन हनुमान जी महाराज को, बुधवार का दिन भगवान गणेश जी को, तो बृहस्पतिवार का दिन भगवान जी को इसी तरह से शुक्रवार का दिन समर्पित होता है माता लक्ष्मी जी को। कहा जाता है कोई भी व्यक्ति अगर सभी शुक्रवार को माता लक्ष्मी जी की थोड़ी सी भी पूजा पाठ करता है तो उस व्यक्ति को माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलता है, जिसके बाद उस व्यक्ति को जीवन में धन संबंधित किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। माता लक्ष्मी जी एक ऐसी देवी है जो किसी भी व्यक्ति की हल्की सी ही पूजा से ही प्रसन्न हो जाती हैं। देखिए दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी आपकी पूजा से प्रसन्न हो जाएं, अगर आप कोई भी उपाय करें इस उपाय का लाभ आपको शुक्रवार के दिन करने पर मिल जाए, या आप चाहते हैं कि आपकी पूजा जो है वह माता लक्ष्मी जी के सामने सिद्ध हो जाए, तो इसके लिए आपको लगातार 10, 12, 15 शुक्रवार तक पूजा पाठ उपाय करना होता है। लेकिन यह एक ऐसा शुक्रवार होता है जिस दिन माता लक्ष्मी जी अपने भक्तों पर दोनों हाथों से कृपा बरसाती हैं, और इस दौरान मतलब इस महान शुक्रवार के दिन, जो इस दिन अगर आपने सिर्फ एक दिए और एक मुट्ठी के चावल का वह उपाय कर लिया जो आपको हम तुरंत ही बताने जा रहे हैं, तो दोस्तों मान के चलिए माता लक्ष्मी जी की कृपा आपको मिलेगी, जिसके बाद आपके की गरीबी परेशानी कष्ट दिक्कतें समस्याओं से आपको थी एक ही दिन के उपाय से मुक्ति मिल जाएगी। दूसरी तरफ आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। एक तरीके से समझ लीजिए लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। दोस्तों, अगर आपने अपने जीवन का सिर्फ 2 या 4 मिनट निकाल करके इस महान के दिन एक दीपक और एक मुट्ठी चावल का वह महान उपाय कर लिया जो आपको हम सही तरीके से बताएंगे, और सही मुहूर्त पर अगर आपने कर लिया तो दोस्तों यकीन मानिए माता लक्ष्मी जी की कृपा आपको मिलेगी, जिसके बाद आपके जीवन में आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। क्योंकि कहा जाता है दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को अगर माता लक्ष्मी जी की मिल जाए उसके बाद उस व्यक्ति को ही नहीं बल्कि उस व्यक्ति की आड़ी साथ पीढ़ी को भी पैसे की किल्लत नहीं होती है। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, आपके जीवन में धन खींचा हुआ चला आया आपके पास, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माता जी की, और एक काम कीजिएगा कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा, ताकि आपकी राशि के अनुसार हमको कोई भी ऐसा पता चलता है जिसे उपाय से आपको कोई भी लाभ पहुंच सके वो हम आपको रिप्लाई के माध्यम से बता देंगे। इसलिए सबसे पहले तो आप लोग दोस्तों एक काम कीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में राशि डालना मत भूलिएगा। अब आपको हम ये जो भी उपाय बताने जा रहे हैं महीने के पहले के दिन के लिए, दोस्तों इन उपायों का लाभ आपको तभी मिलेगा जब आप इन उपायों को सही मुहूर्त पर करेंगे। देखिए लोग करते क्या हैं, वो पूजा पाठ करते हैं लोग और उपाय भी करते हैं, लेकिन गलती क्या कर देते हैं, बहुत लोग उपाय को करते वक्त मुहूर्त का ध्यान नहीं देते हैं। कभी भी जो उपाय उनको मुहूर्त पर न किया जाए या नियम अनुसार न किया जाए तो हमको उनका लाभ
नहीं मिलता है। दोस्तों, यह जो भद्र महीने का महान शुक्रवार है, यह पूरे साल में सिर्फ एक दिन के लिए आता है। यह इतना ताकतवर शुक्रवार होता है कि इस दिन की गई आपकी थोड़ी सी ही पूजा से न केवल आपको बल्कि आपके पूरे परिवार को लाभ मिलता है। इसीलिए दोस्तों, यह जो उपाय लोग को हम बताने जा रहे हैं, इनको कहीं पर लिख लीजिए और इनके उपायों को लिखने के बाद इनके साथ इनकी मुहूर्त को भी लिख लीजिएगा। चलिए प्रिय दोस्तों, आपको उपायों के बारे में बताते हैं, लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, पहले आप वीडियो को लाइक के पीछे सबसे पहला वहाँ उपाय है कर्ज मुक्ति का महा उपाय। अब मान लीजिए आपने कर्ज लिया था अपना घर बनवाने के लिए, जमीन खरीदने के लिए, अपना इलाज करवाने के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए। आप कर्ज के जाल में फंसते हुए चले आ रहे हैं, कर्ज के बोझ से दबे हुए चले आ रहे हैं। आपको कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है कि कैसे आपको कर्जों के माया जाल से मुक्ति मिलेगी। तो ये महा उपाय कर लीजिए, जो भद्र महीने के शुक्रवार के दिन अगर आप करते हैं तो दोस्तों आपको कर्ज के जाल से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, किसी भी महालक्ष्मी मंदिर जाइए, वहाँ पर जाने के बाद आपको सिर्फ एक लाल चुनरी वहाँ पर अर्पित करना है। अगर आपने आषाढ़ महीने के पहले शुक्र बार के दिन किसी भी महालक्ष्मी जी के मंदिर जाकर के एक लाल चुनरी कर दी, इतना कन्या भर से आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में आपका कर जो होगा वो धीरे धीरे खत्म होता हुआ चलाएगा। दूसरा उपाय है दोस्तों शुक्र ग्रह को मजबूत करने का महा उपाय। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें कीजिएगा, जिस व्यक्ति का शुक्र ग्रह मजबूत नहीं होता है, वह व्यक्ति कितनी ही मेहनत कर ले, कितना ही परिश्रम कर ले, कभी भी उसको जीवन में धन संबंधित फायदा हो ही नहीं सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। दोस्तों, शुक्रवार दिन माता लक्ष्मी जी के किसी भी मंदिर को जाइए, वहाँ पर जो बाहर बैठे भिखारी होते हैं उनको पीले वस्त्र में एक मुट्ठी चावल रख के दान कर दीजिए। इतना करने भर से मान के चलिए माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देना चालू कर देगा और धन संबंधित आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से सिर्फ आपको को फायदा पहुंचेगा। तीसरा, अगर आप चाहते हैं कि लक्ष्मी जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे, तो भद्र महीने के शुक्रवार के दिन बहुत ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, आषाढ़ महीने के पहले शुक्रवार के दिन आपको एक नई झाड़ू सूर्यास्त से पहले खरीद करके लानी है। सूर्यास्त से पहले इस झाड़ू को खरीद करके लाइए, अपने घर के उत्तर दिशा में इसको रख दीजिए। उत्तर दिशा में रखने से पहले इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस पर आप थोड़ा सा छिड़क दीजिएगा, बस इतना आपको करना है। और इतना अगर आपने आषाढ़ महीने के पहले शुक्रवार के दिन कर दिया, दोस्तों यकीन मानिए इतना उपाय करने भर से आपको पता चलेगा कि आपके घर पर माता लक्ष्मी जी की कृपा बनेगी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे, क्योंकि जो झाड़ू होती है वह माता लक्ष्मी जी का प्रतीक मानी जाती। चौथा उपाय है दोस्तों दुर्भाग्य को भाग्य में का महा उपाय। यह जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, यह उपाय आषाढ़ महीने के पहले शुक्रवार के दिन जिस व्यक्ति ने भी कर लिया उसका दुर्भाग्य उसका पीछा छोड़ देता है और उसका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो एक गाय होती है दोस्तों, जो आपके घर के पास गाय टहलती है, गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय के गोबर में माता लक्ष्मी जी वास करत हैं और गोमूत्र में माता गंगा जी वास करती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आषाढ़ महीने के पहले शुक्रवार के दिन आपको 33 कोटि देवताओं के साथ माता लक्ष्मी जी और माता गंगा जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, तो दोस्तों 11 रोटी बनवाइए अपने घर पर। 11 रोटी पर आपको थोड़ा थोड़ा सा गुड़ की भेली रख देनी है और 11 रोटी किसी भी गाय को ऐसे खिला देना है। अगर आपने वैशाख महीने के पहले शुक्रवार के दिन यहाँ लिया, दोस्तों आपका दुर्भाग्य आपका पीछा छोड़ देगा और आपके जीवन में आप खुद देखेंगे कि आप अपनी कितनी उन्नति करेंगे। अब आपको जो हम उपाय बताने जा रहे हैं, यह बहुत ध्यान से सुन, भद्र महीने के पहले शुक्रवार के दिन यह उपाय अगर आप करते हैं तो मान के चलिए आपकी बेफिजूल खर्ची रुक जाएगी। क्या करना है, देखिए सूर्यास्त जब हो जाता है 7 बजे के बाद आपको नहाना है, धोना है, सफेद का धारण करना है, क्योंकि यह जो उपाय हम आपको बताने वाले
है। यह उपाय बहुत ही अचूक उपाय है। इस उपाय को करने से आपको माता लक्ष्मी जी की कृपा मिलेगी। गाय के दूध से बना हुआ भी लेना है, उसको किसी भी दीपक में डालना है और माता लक्ष्मी जी की कला चित्र जो आपके घर पर पूजा घर पर है वहाँ पर बैठना है, उस दीपक को रखना है। दीपक को रखने के बाद वह आपको आपका मुख पूर्व दिशा में होना चाहिए। अब आपको दीपक उसमें एक लौंग डाल देना है। यह उपाय अगर आपने कर दिया तो मान के दोस्तों आपके घर की वे फिजूल खर्ची जो होगी वो अब बंद हो जाएगी। यह उपाय वैशाख महीने के पहले शुक्रवार को करना ही चाहिए आपको अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर पैसा के। अब आखिरी उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, यह एक ऐसा उपाय है जिसके बाद आपके घर पर धन चुंबक की तरह खींचा हुआ चला आएगा। आपको क्या क्या बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको चाहिए एक लाल कपड़ा, 3 कपूर, 1 लौंग और कम से कम 51 काली मिर्च के दाने। हम फिर से रिपीट कर देंगे दोस्तों, एक लाल कपड़ा, 1 मुट्ठी चावल, 3 कपूर, 51 काली मिर्च के दाने। अब आपको ये सारी चीजों को एक लाल कपड़े में जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इसको लाल कपड़े पर रखिए। माता लक्ष्मी जी की जो कला चित्र है वहीं पर आपको रखना है। वहां पर के बाद माता लक्ष्मी जी का आपको 20 मंत्र बोलना है, जो है इस 20 मंत्र का जाप कम से कम 1001 बार कीजिए। अब इसी वस्त्र को लाल पोटली से बांध दीजिए और सूर्यास्त के बाद इस पोटली को अपनी अलमारी में तिजोरी में रख दीजिए, या मान लीजिए आप व्यापारी हैं तो व्यापारी थान पर रख दीजिए। आप खुद देखेंगे क्योंकि माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन चुंबक की तरह वह चला आएगा, धन आएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। बस ये आषाढ़ महीने से पहले को आपको ये सब उपाय करने हैं जिससे माता लक्ष्मी जी की आपको कृपा प्राप्त होगी। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो